सर्वदा सर्वदा विराजमान श्री पार्वती महाराज श्री श्री चंद्रशेखर दास बालाजी महाराज के दिव्य निकुंज प्रवेश उत्सव के इस अवसर पर यहाँ वैष्णव मंडली जो विराजमान है उनके श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन, गुरु मंडली के श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन, बाबाजी महाराज की अपूर्व महिमा अद्भुत होकर के विराजमान श्री प्रभु हमारे सामने आज भी पांच रूपों में साक्षात विराजमान है। श्री गोविंद विग्रह, श्रीमद् भागवत, श्री गुरुदेव, श्री वृंदावन और श्री वृंदावन धाम। गुरु गोस्वामी पाद ने कहा कि श्रद्धा विशेष तकते श्री मुक्ते रंग सेवनम श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वाद रसकंसह सजाती आशयस्ति के साधे संगत वरे नाम संकीर्तन श्री मथुरा मंडल स्तुति। श्री बालाजी महाराज की बाबा की हमारे बाबा की इन पांचों स्वरूपों में जो अपूर्ण निष्ठा व साक्षात रूप थे सब अनुभव कर सकते हैं। श्री राधा गोविंद देव उनमें श्री बाबा की अपूर्ण निष्ठा रही, सर्वदा सर्वदा बाबा कभी भी एक क्षण के लिए भी श्री राधा कृष्ण श्री राधा गोविंद देव उनके स्मरण उनके लीला चिंतन से कभी अलग नहीं रहे। सर्वदा सर्वदा जब भी उनके पास में कोई भी आता भगवत स्मरण के अतिरिक्त कोई दूसरी बात कभी भी व्यवहार की उनने कभी अपनी जुबान से निकाली ही नहीं। सर्वदा सर्वदा सबको भगवत चरणारविंद में ही प्रयोग करना, श्री राधा गोविंद देव की सेवा में सबको प्रयोग करना ये बाबा का आदेश रहा। कोई कहता कि भाई बाबा आपका दर्शन करने के लिए आता आए हैं तो हंस करके कहते हैं भाई दर्शन बहन जी का करो, हमारा दर्शन क्या कर रहे हैं। श्री श्रीमद् भागवत का तो कहना ही क्या, मुझे तो जो कुछ भी श्रीमद् भागवत में प्राप्त हुआ वो बाबा की कृपा, बाबा के साथ में जो अपनी युवावस्था के 28 वर्षों में बाबा के साथ में जो श्रीमद् भागवत का आस्वादन बाबा ने कृपा करके प्राप्त कराया और बाबा समय समय पर कथा श्रवण करते करते जो टिप्पणी करते थे वो टिप्पणी नहीं थी, वो हीरा मोती थे, वो अपूर्व रत्न थे जो जीवन की अपूर्व निधि बन करके विराजमान हुए। बाबा एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि हम जब वृंदावन में आए थे तो आपकी माँ टुकड़ा डालती थी, हम माधुर्य करने के लिए आपके घर पे जाते थे और हमने कान की झोली आपके सामने फैला दी है, इनमें आचार्यों के अक्षर रूपी टुकड़े डाल दीजिए, हम चाहे समझे चाहे नहीं समझे। क्या भाव आचार्यों के जो टीकाओं के मूल अक्षर है उनको हम सुन ले। और बाबा जब श्री श्री स्वामी पाद की टीका श्री जीव गोस्वामी जी की वैष्णव सोष्ठी या कमसंदर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के सारल दृष्टि इन तीन टीकाओं का विशेष रूप से जब आस्वादन करते थे तो समय समय पर जो टिप्पणी बीच बीच में बोलते थे वो टिप्पणी अद्भुत थी और वो जैसे पूरे के पूरे प्रसंग को खोल देते थे। तो बाबा सुनते थे परंतु सुनते नहीं थे, मानो जैसे सुनने के बहाने मेरे ऊपर अपूर्व कृपा करते थे और मेरे तो ऊपर कृपा की ऐसी अपूर्व कृपा रही। श्रीमद् भागवत का जो भी प्रसाद बाबा के द्वारा मुझे मिला वो मेरे जीवन की निधि है, बाबा की कृपा के बिना मैं कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। श्री बाबा ने 27-28 वर्ष तक श्रीमद् भागवत वहां कॉलेज से आता था, रात आते आते कभी कभी देर हो जाती थी, कॉलेज में लास्ट पीरियड लगा था मेरा और आते आते यहाँ पर कभी कभी अंधेरा हो जाता था, प्राय अंधेरा हो जाता था जाड़े के दिनों में, एक छोटी सी मोमबत्ती और बाबा अपनी कॉलिंग को तख्त के ऊपर टिका करके एक हाथ में पंखा दे करके
बस पंखा करते रहते और मैं और बाबा पूछे नहीं कोई एक आध बैठ जाए तो बस और बाबा श्रीमद भागवत श्रवण करते थे श्रीमद भागवत का वो आस्वाद रसकों के साथ वो श्री बाबा की कृपा से मिला हमारे शिक्षा गुरु बाबा वे सर्वदा सर्वदा हमारे ऊपर आज भी कृपा करते हुए विराजमान है। दीक्षा तीन प्रकार की होती है। एक दीक्षा होती है पक्षी दीक्षा, जैसे एक पक्षी अपने अंडे को अपने पंखों से गर्मी देते हुए सहता है, वह है पक्षी दीक्षा। दूसरी दीक्षा है मत्स्य दीक्षा, दृष्टि दीक्षा। मछली अपने बालक को आंख से देखती रहती है, बालक अलग है मछली अलग है, परंतु नेत्रों से वो दीक्षा देते हुए कृपा करते हुए सदा विराजमान होती है। और तीसरी जो दीक्षा है वो कमठ दीक्षा है। कछुए की माँ वो अंडे को एक किनारे पर रख देती है, परंतु मन से चिंतन करती रहती है, परंतु मन से चिंतन करने पर भी वो उस बालक का पोषण करती रहती है। बाबा अपने अवतार काल में हमारे ऊपर पक्षी दीक्षा करते हुए हम लोगों को अपनी कृपा के द्वारा सिंचित करते हुए पोषित करते हुए जब भी हमने कोई गलती की सदा उन्होंने समझाया और समझाते हुए और भजन का उद्देश्य देते हुए बाबा विराजमान रहे। उनकी पक्षी दीक्षा तो हमको मिली ही, साथ के साथ में जब तक वे अवतार काल में विराजमान रहे तब तक उनकी दृष्टि दीक्षा से भी नजर की जो दीक्षा है उसके द्वारा भी हम परम कृतित्व रहे। आज बाबा शिवकुंज मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं निर्विघ्न भजन प्राप्त करते हुए, बाबा श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए आप विराजमान हैं। हमारे इस साधक शरीर में निर्विघ्न भजन संभव नहीं है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से अंतराय विराजमान है, परंतु बाबा का आज शिवकुंज मंदिर में प्रवेश करना वो भी भीष्म अष्टमी के दिन मार्ग में जो परम पुण्य तिथि उत्तरायण, तो सारा काल भी जैसे उनकी सेवा करने के लिए सदा उपस्थित हो गया, ऐसी पुण्य तिथि को आज बाबा ने कृतकृत्य करते हुए जब निर्विघ्न भजन प्राप्त करने के लिए श्री नृत्य मंदिर में प्रवेश किया तो उस नृत्य मंदिर के में प्रवेश करके वे वहां निर्विघ्न सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और बाबा वहां से भी आज कमठ दीक्षा के द्वारा अपने मन के द्वारा हम सब भक्तगणों का जितने भी साधक जन है उनको अभी भी भक्त मार्ग में प्रवृत्त कराते हुए निरंतर निरंतर विराजमान है। और श्रीमद भागवत और श्री गोविंद इन दोनों की समाराधना बाबा जी की और उनका उद्देश्य प्रदान किया। श्री कृष्ण आज भी हमारे सामने तीसरे स्वरूप में विराजमान है और वो तीसरा स्वरूप है श्री वैष्णव मंडली। बाबा की वैष्णव मंडली में इतनी समादरमयी भावना रही और यहाँ इतने वैष्णवों का जो पिछले चार दिन से निरंतर निरंतर सेवा हो रही है वो अपूर्व एक आदर्श है, एक निदर्शन है। उस वैष्णव के द्वारा श्री प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। वैष्णवों में रुक्मणी है श्रीमद गुरुदेव ठाकुर ने जरूर चाहा होगा, श्री राधा रानी ने जरूर चाहा होगा कि मुझे इस जीव को अपनी कृपा प्रदान करनी है। उस समय श्री किशोरी जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति वो कृपा शक्ति श्री गुरुदेव के माध्यम से हमारे ऊपर डाल दी। और यदा यमुनाति भगवान आत्मभावी कहा, जब ठाकुर हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो वे श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से हमारे ऊपर कृपा करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करके वैष्णव के माध्यम से वैष्णव मुक्तमणि श्री गुरुदेव उनकी कृपा के माध्यम से जीव को वे शरणागति प्रदान कराते हैं। उनने हम लोगों को अपनी श्री गोविंद की शरणागति प्रदान कराई, मार्ग में हमको प्रस्तुत किया। श्री बाबा की जो वैष्णव निष्ठा थी वह अद्भुत थी। वैष्णव निष्ठा वह भजन का प्रवेश द्वार नहीं है, वह भजन का फल भी है। कृष्ण प्रेम
जन्म मूल हय साधु संग भक्तिजन्य देह पुनः हय मोक्ष अंग। भक्ति में प्रवेश कराने का कारण है साधु संग, परंतु जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वह साधु संग ही मुख्य फल बन जाता है। ऐसी स्थिति में साधु सेवा, साधु संग और वैष्णव सत्संग वह जीवन का वह साधन मार्ग नहीं है, वह साधन का फल है। जब ठाकुर कृपा करते हैं, कृपा का फल प्रदान करना चाहते हैं तो साधु संग प्रदान करते हैं। जरूर श्री किशोरी ने कृपा करना चाहा होगा तो हमको बाबा का, हम लोग जो सब बाबा से बनकर रहेंगे, किसी भी प्रकार से बाबा से जुड़े हुए रहे हैं, उनको बाबा की कृपा मिली, ये श्री ठाकुर जी की ही अपूर्व कृपा रही होगी। ठाकुर ने जब चाहा होगा तो उन्होंने हमको वैष्णव का संग दिया। ठाकुर यदि किसी जीव जीव को अपनाना चाहते हैं तो उसे किसी संत से भरा देते हैं। जब संत से भराते हैं तो जैसा संग होता है, जैसा रंग चढ़ता है, जैसा रंग होता है, वैसे ही साधन होते हैं, जैसे साधन होते हैं वैसी सिद्धि होती है। और बाबा ने यह तरीके दिखाए, यदि कभी भी भजन में आचार्य जो पद्धति है, पुरानी भजन की पद्धति है, उस पर तनिक भी किसी की त्रुटि देखी, बाबा ने कभी भी मौनी नहीं निकाली, कभी क्षमा नहीं किया, और उसको सर्वदा सर्वदा श्री बाबा उपदेश देते हुए, बताते हुए, सही रास्ते को अपनाते हुए, जो प्रामाणिक आदर्श मानक रास्ता है, उस मानक को ही बाबा ने अपने जीवन में सर्वदा अपनाया। साधु संघ का और साधुओं की जो रहनी वह कहीं दिखती थी, तो मैं तो यही कहता था भाई वृंदावन में यदि साधु कैसे होते हैं ये यदि किसी को जानना है तो बाबा का दर्शन करो। बाबा ने इतनी दीनता, प्रणाम सुनिश्चित और तौरों पर सहिष्णुता, ये जो जितने भी साधुओं के स्वरूप है उनको साक्षात रूप से श्री बाबा ने प्रयोग करके सामने दिखाया, किसी से अपने चरण नहीं छुपाए, ऐसी दीनता, त्रागक सुनिश्चितता और अपूर्व कृपालुता श्री बाबा प्रदान करते हुए रहे। और सर्वदा सर्वदा जो आदर्श टकसाली भक्ति, जिसमें कहीं मिलोनी नहीं है, मिलोनी रहित टकसाली भक्ति, उसका प्रयोग करना, उसका उपदेश देना, ये मामूली बात नहीं है। सब मुंह देखी हुई बात करने लगते हैं, परंतु बाबा ने किसी के सामने कभी मुंह देखी बात नहीं की। जो शास्त्री है, जो करना है, उसको ही बाबा सर्वदा सर्वदा मानक के रूप में प्रस्तुत करते रहे, स्वयं करके दिखाया, और उन्होंने दूसरों को भी उसका आदेश दिया। जो स्वयं आचार्य के धर्मान अन्य आचार्य चसा, जो स्वयं धर्म का आचरण करे, धर्म का उपदेश दे, दूसरों को धर्म का आचरण कराए, इसीलिए वे आचार्य कहलाते हैं। और बाबा आज आचार्य पद पर जो विराजमान हुए वो अद्भुत होकर के विराजमान एक निदर्शन है। ऐसा स्वरूप कहीं दूसरी जगह प्राप्त होगा नहीं। तो वैष्णव निष्ठा का तो बाबा का कहना ही क्या। श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री श्री राधिकास बाबा जी महाराज, श्री दादू, उनके श्री चरणानंद में बाबा की जैसी निष्ठा रही, श्री बाबा के श्री चरणानंद में श्री श्री परम रसिक वर श्री श्री गौरदास बाबा जी महाराज अपने गुरुदेव, उनके श्री चरणानंद में बाबा की जैसी अपूर्व निष्ठा रही, वो निष्ठा उसकी कृपा के बिना, वो जो श्री गौर राम परंपरा, श्री राधा श्री राम परंपरा, उस राम परंपरा का एक आदर्श स्वरूप श्री बाबा में प्राप्त हुआ। वैष्णव निष्ठा की तो अपूर्वता बाबा में विराजमान रही, और धाम निष्ठा का तो कहना ही क्या। श्री बाबा धाम निरंतर निरंतर श्री वृंदावन में 70 वर्ष श्रीमद वृंदावन धाम में बाबा विराजमान रहे, और श्री वृंदावन उनमें श्री प्रियालाल के स्वरूप का ही दर्शन किया। धाम शब्द के 4 अर्थ होते हैं, देह के त्विट प्रभाव। ये वृंदावन धाम केवल एक भूमि नहीं है, ये प्रियालाल का श्रीअंग है।
योजन निवास वन में देह रूप का 5 योजन का ये संपूर्ण भूमंडल का विस्तार ये श्री प्रियालाल का स्वरूप प्रियालाल का देह ही है। और श्री वृंदावन का दर्शन वो प्रियालाल के रूप माधुरी का ही दर्शन है। जब श्री श्याम सुंदर वृंदावन में वृंदावन की शोभा का दर्शन करते हैं तो श्री किशोरी जी की शोभा का दर्शन करते हैं। ऐसे ही जब किशोरी जी श्री वृंदावन की शोभा का दर्शन करती है तो श्री लाल जी की शोभा का दर्शन करती है। श्री वृंदावन धाम देह श्री प्रियालाल का स्वरूप है। श्री प्रियालाल का ही स्वरूप नहीं, यह सखियों का स्वरूप है। यह स्वयं श्री वृंदा सखी वो ही आश्रय स्वरूप होकर के प्रियालाल को अपनी गोदी में विलास करवाती हुई जहाँ विराजमान है, जहाँ पर भोजन शैल विहार करत ललता की गोदी। श्री वृंदावन उनकी गोदी में ही, सखी की गोदी में ही श्री प्रियालाल भोजन शैल विहार करते हुए विराजमान। तो श्री वृंदावन देह नहीं है, केवल प्रियालाल का देह नहीं है, यह सखियों का भी देह है। ये श्री वृंदावन श्री युव सरकार का परम परम देह होकर के विराजमान। वो जो एक परतत्व है वही प्रियालाल सहचरी और वृंदावन चार रूपों में अपने आप को प्रकट करके विराजमान हुआ। प्रिया शक्ति आह्लादिनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। जो एक तत्व था वही प्रियालाल सहचरी और वृंदावन चार रूपों में विराजमान। और ये चारों के देह रूप में श्री वृंदावन विराजमान है। धाम देह है, धाम देह है, धाम त्विक मन श्री प्रियालाल के प्रेम का स्वयं स्वरूप है। श्री वृंदावन धाम में यदि कोई आए तो वृंदावन धाम की पोटेंशियलिटी ऐसी है, वृंदावन धाम का प्रभाव ऐसा है कि वह अपने आप प्रेम के अंश को हृदय में यहाँ के संपर्क मात्र से वह प्रदान करेगा। जब तक प्रविष्ट सकलों के जंतु हो, जब प्रवेश करने के बाद के साथ ही साथ ट्रांसेंडेंटल की आ जाती है, प्रवेश करने के साथ ही साथ चिन्मयता व्यक्ति में आ जाती है, तो प्रेम की प्राप्ति श्री धाम प्रदान करने तो आश्चर्य की बात कौन सी है। ये रज रानी ये जो विराजमान है, ये रज रानी मामूली रज नहीं है। बिना रज के एक पत्ती पैदा नहीं हो सकती। जितनी भी सृष्टि है वो सब रज का रज की देन है। और यदि प्रेम की सृष्टि करनी है, प्रेम का वृक्ष लगाना है, प्रेम के कल्प वृक्ष को यदि हमें अपनाना है तो हमें रज का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। यदि रज नहीं है तो प्रेम रूपी लता कभी उत्पन्न हो नहीं सकती है। यदि प्रेम लता को प्राप्त करना है तो श्री तुलसी थामरे की रज, श्री राधा कुंड की रज, श्री मिथुन राज की रज, श्री वृंदावन की रज, श्री सेवा कुंज की रज, उनको जब तक मस्तक के ऊपर धारण नहीं किया जाएगा तब तक प्रेम की प्राप्ति कभी भी हो नहीं सकती है। प्रेम रूपी लता टिक ही नहीं सकती है। तो प्रेम लता को प्राप्त करने के लिए वैष्णवों की चरण रज जब श्याम सुंदर को भी माथे पे लगानी पड़ती है कि उस वस्तु की प्राप्ति तब तक नहीं होगी। मही असाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचना जब तक महाजनों की चरण रज को मस्तक पर नील धारण किया जाएगा तब तक प्रेम उत्पन्न हो नहीं सकता है। श्याम सुंदर भी उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जब उत्सुक होते हैं तो इस रज का बाबा ने जो महिमा समझी और जो समझाई वो हमारे हृदय में किसी तरह से बैठे और हम इस रज का आश्रय ग्रहण करके विराजमान हो। जगत में रज और तम ये दूर करने वाले, परंतु हमारे ब्रिज में तो यहाँ पर जब थोरज उठती है तो मिलन होता है, जब अंधकार आता है तो युवा सरकार कहीं श्री वृंदावन योग पीठ में अभिशाप करके पधारते हैं तो तम भी यहाँ पर युगल को मिलाने वाला है और रज भी मिलाने वाला। ये जो रज है ये रज श्याम सुंदर से दूर करने वाली नहीं है, यह रज तो श्याम सुंदर से मिलाने वाली है। तो रज और नाम, नाम का तो कहना ही क्या। श्री श्याम सुंदर जब नेत्र के विषय बनते हैं तो वे मुरली मनोहर बनकर के रास बिहारी बनकर के दर्शन देते हैं, और जब वे ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के कान के विषय बनकर के या कर्मेंद्री जुम्हा के विषय बनकर के
वाकिंद्री के विषय बनकर के विराजमान होते हैं तो श्री हरिनाम के रूप में हमारे सामने आते हैं। बाबा की इन पांचों वस्तुओं में श्री गोविंद श्री विग्रह, श्रीमद भागवत, श्री गुरु और वैष्णव, नाम और धाम, इन पांचों वस्तुओं में जो अपूर्व निष्ठा थी वो अपूर्व निष्ठा अद्भुत अद्भुत रही है। और बाबा ने एक निदर्शन, एक आदर्श, एक मानक, एक सैंपल हमारे सामने उपस्थित किया। जैसे कभी श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के लिए कहा कि बेटा प्रहलाद, मेरे सारे भक्तों में तू नमूना है। इसी प्रकार यदि हमने अपने जीवन में संतों का, रसिक जनों का कोई नमूना देखा है तो नमूना श्री बाबा है। बाबा के नेत्रों से जो अष्ट सात्विक भाव निरंतर निरंतर, जो आंसू का प्रवाह, जो बाबा में भावावेश अपूर्ण रूप से विराजमान रहा, वो एक आदर्श, वो हम लोगों के सौभाग्य का क्या कहना कि हमने बाबा के उन सात्विक भावों का क्रम क्रम करके जो उत्पन्न होने वाले और कभी कभी संकुल रूप में उत्पन्न होने वाले जो अष्ट सात्विक भाव है, उन अष्ट सात्विक भावों का हमने दर्शन किया, वो अद्भुत होकर के विराजमान बाबा आवेश में विराजमान और बाबा की लीला प्रवेश करने के पूर्व की जो जो अवस्था, वो अवस्था तो अद्भुत रही। जहां पर वृंदावन वृंदावन, कहां वृंदावन, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन में ही है, परंतु अपूर्व जो तापक क्लेशानंद श्री बल्लभाचार्य चरण जिसका वर्णन करते हैं, तापक क्लेशानंद, वो तापक क्लेशानंद कहीं उसका साक्षात तापक क्लेशानंद कैसा होता है, कृष्ण वियोग का ताप और उसका आनंद, उस ताप के क्लेश में जो आनंद है वो आनंद क्या होता है, उसका हम लोगों को बाबा ने साक्षात दर्शन कराया। आज बाबा श्री प्रियालाल की निकुंज मंदिर में श्रीमद वृंदावन धाम में यही कहीं गए नहीं है, हमारी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है, लीला तो वृंदावन में विराजमान है, कहीं पूछे के जाना नहीं है, भूल भरमो नहीं, भूल भरमो नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो जो अपूर्व लीला तो यहाँ ही विराजमान है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, बाबा ने उस पर्दे को एक बार हटा करके अपने चरित्र के द्वारा सामने दिखाया, उस पर्दे को हटा करके हम श्री बाबा को कहीं समय समय पर बाबा हमको अपने स्वरूप का दर्शन कराते रहे, उनकी कृपा के द्वारा न तो वृंदावन के स्वरूप को कोई जान सकता है, न नाम के स्वरूप को कोई जान सकता है, न वैष्णवों के स्वरूप को, न श्रीमद भागवत के स्वरूप को, और न श्री प्रियालाल की लीला को कोई जान सकता है। बाबा हमारे ऊपर सदा सदा कृपा करते हुए विराजमान हो, भले बाबा इस समय पक्षी दीक्षा कर कृपा करने के लिए हमारे सामने उपस्थित नहीं है, परंतु कमठ दीक्षा के द्वारा अभी भी वे सर्वदा सर्वदा हमारा संरक्षण करते हुए और हमारे भजन को आगे बढ़ाते हुए विराजमान रहेंगे। बाबा की श्री चरणारविंद में कोई कोट बंधन नहीं, परम पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज, चंद्रशेखर